तो गाइस ये है मेरे पास IQ Z7 Pro 5G स्मार्टफोन जो कि काफी कमाल का स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड टिप्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कैमरा के अराउंड लाइटिंग इफेक्ट वाले फीचर, UI कलर वाले फीचर, ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन वाले फीचर, राउंडिंग वाले फीचर और वगैरह वगैरह। इसमें बहुत सारे हिडन फीचर और ट्रिप्स एंड टिप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे, तो बंदा ही बड़ा कमाल का है। तो अगर आप IQ Z7 Pro 5G स्मार्टफोन ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करते रहिएगा, आपको सभी फीचर के बारे में पता लग जाएगा। और वीडियो में आगे जाके वैल्यू तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो वो आपको देखने मिलता है AI डॉक्यूमेंट क्रॉप वाला फीचर। अभी AI का जमाना चल रहा है और इसमें भी AI का फीचर आपको देखने को मिल जाता है। आपने बहुत सारी फोटो क्लिक कर ली है, उसमें से कुछ फोटो डॉक्यूमेंट वाली है, आपने यहां पे कैमरा के अंदर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट नहीं किया, फिर डायरेक्टली वैसे नॉर्मल फोटो क्लिक कर दी। लेकिन ये अपना दिमाग लगाता है AI के थ्रू और यहां पे बता देता है कि ये डॉक्यूमेंट वाली आपकी फोटो है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। देखते हैं इस फोटो के अंदर डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक आ चुका है। आप कोई भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, पहचान पत्र, आपने डॉक्यूमेंट ऑप्शन ऑन नहीं किया, लेकिन यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा गैलरी के अंदर। और यहां पे इसको क्रक करोगे तो ये क्रॉप हो जाएंगे। तो इस तरह से देखने मिलता है AI डॉक्यूमेंट क्रॉप वाला फीचर। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है UI कलर वाला फीचर। प्रेस एंड होल्ड कीजिए और यहां पे मिलेगा UI कलर का फीचर। जैसे इसको ऑन करोगे तो यहां पे काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्या करता है, जो भी आप कलर करोगे आपका UI कलर उस टाइप में हो जाएगा। इस प्रकार से आप करोगे तो आपका देखते हैं UI कलर चेंज हो चुका है ना, काफी इंटरेस्टिंग। और एक UI कलर के अंदर एक और ऑप्शन देखने मिलता है नीचे, वॉलपेपर कलर वाला एक ऑप्शन देखने मिल जाता है। वॉलपेपर के अंदर जो कलर यूज किए गए उस हिसाब से ये UI का कलर कर देगा। तो ये चीज आपको देखने मिलती है। और अप्लाई कलर टू आइकन, अब आइकन को ऑफ कर देंगे तो आइकन को छोड़कर सभी UI पे ये कलर अप्लाई हो जाएंगे। अगर आइकन पे करते हैं तो जैसे कि आपने देखा शुरू में ही, तो ये आइकन पे भी अप्लाई हो रहे हैं। तो ये चीज आपको देखने मिलता है UI कलर का फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है प्रेस एंड होल्ड करने पर, और यहां पे मिलेगा होम सेटिंग का ऑप्शन और यहां पे मिलेगा राउंडिंग कॉर्नर का ऑप्शन। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे तो अपने आइकन को यहां पे देखते हैं राउंड नहीं करना, थोड़ा सा राउंड करना है तो वो आप कर सकते हैं, लार्ज करना है, स्मॉल करना है, ये सभी फोन में पाया जाता है। लेकिन ये राउंडिंग वाला आपको एक नया देखने को मिल जाता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है मोशन ऑटो फोकस का फीचर, जिसके लिए जाना होगा कैमरा के अंदर सेटिंग के अंदर जाइए, मोर सेटिंग के अंदर जाइए और यहां पे मिलेगा मोशन ऑटो फोकस। अब इस फीचर के अंदर दो फीचर आपको देखने मिलते हैं। एक आपको देखने मिलता है ऑटो फोकस ट्रैकिंग, ये क्या करता है आपके फेस को ट्रैक करेगा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये चीज देखने को मिलता है। और मैनुअली फोकस आप करना चाहते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए उसी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता रहे, मान लीजिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं उस कैमरा के वीडियो के अंदर, तो एक ही ऑब्जेक्ट को आपको ट्रैक करना है, उस पर टैप कीजिए ऑटोमेटिकली उसको ट्रैक करने लग जाएगा, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूँ तो वो फीचर भी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा जिसका नाम है शटर। शटर पर जाइए और यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, तीनों ही ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ टच वॉइस। अब ये फीचर क्या है, टच का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ पे यहाँ पे आप टच कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इसकी फोटो क्लिक कर देगा, इसने क्लिक करना स्टार्ट कर दी ना। वॉइस के अंदर आप वो चीज़ बोलोगे तो ये फोटो क्लिक कर देगा, और फ्लेम के अंदर यहाँ पे अपने हाथ को होल्ड रखोगे तो ये फोटो क्लिक कर देगा। तो जो भी शॉर्टकट आपको कन्वीनियंट लगता है उसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको देखने मिलता है गैलरी के अंदर, मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है इसको हाइड करना है, मान लीजिए ये फोटो है, इसके मोर ऑप्शन पर जाइए, मिलेगा हाइड का ऑप्शन और यहाँ पे हाइड पर क्लिक करोगे जो आपने पासवर्ड लगा रखा है। फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा नया क्या लगाना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, ये सेट जाएगा। उसके बाद इसको वापस चेक करने के लिए यहाँ पे सेटिंग में जाओगे और यहाँ पे मिलेगा हिडन का ऑप्शन। अब हिडन का ऑप्शन में जो भी आपने पासवर्ड लगाया लगाइए और जो भी आपने फोटो हाइड कर रखी है यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं, मतलब किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आपको जरूरत नहीं है। और जब भी फोन को लो तो इसको आप ऑन कर दो, ये फीचर क्या है देखते हैं, रोटेट ऑटोमेटिकली। ये क्या होगा, जब भी कोई फोटो आप व्यू करोगे उसको रोटेट करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा, मतलब ऑटो रोटेशन आपका ऑफ ही रहेगा, बस ये गैलरी के अंदर वर्क करता है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज ये। नेक्स्ट चीज की बात करो तो जब भी फोन को लोगे तो इसमें फालतू के आपके यहाँ पे फोल्डर देखने को मिलते हैं, ये बोलता है ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये बस दिखाता है इसमें एप्लीकेशन है लेकिन ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए बोलता है। तो इन चीजों को आप डिसेबल कर सकते हो, इन फोल्डर पर प्रेस एंड होल्ड कीजिए, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा इसको आपको ऑफ करना है तो आपके होम स्क्रीन से रिमूव हो जाएगी फालतू के जो फोल्डर है। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है आइकन ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वाला फीचर, ये फीचर काफी कमाल का है, बस आपके होम स्क्रीन पे आपको पिंच आउट करना है और यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे आइकन इधर से उधर हो चुके हैं। अब इनको सेट करने के लिए क्या करना है, बस यहाँ पे आपको इस प्रकार से ड्रैग करना है और ऑटोमेटिकली जहाँ के आइकन थे वहीं के वहीं सेट हो चुके हैं। ऐसे टाइम लगता है लेकिन ये पे बहुत ज्यादा क्यूब कर दिया गया इस चीज को। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलेगा मेरे वीडियो के नीचे लाइक बटन, लाइक बटन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर देना अगर वीडियो में वैल्यू लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको मिलता है रिसेंट पैनल के अंदर, रिसेंट पैनल के अंदर जैसे जाओगे तो यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस टाइप में स्टाइल चाहिए या इस टाइप में चाहिए, वन टाइप में इसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको मिलता है स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर, जिस जो एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन को फीचर को सपोर्ट करती है उसके अंदर क्या होगा,
यहाँ पे देखते हैं, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। इससे क्या होगा, एक एप्लीकेशन के साथ दूसरी एप्लीकेशन को भी मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन जो एप्लीकेशन सपोर्ट करती होगी उन्हीं के अंदर ये वर्क करेगा, सभी एप्लीकेशन में ये वर्क नहीं करेगा। है ना, काफी इंटरेस्टिंग ये। और इस फोन के अंदर आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच होना चाहते हो बिना बैक जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिसेंट पैनल पर डबल टैप आप करोगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक स्विच होता जाएगा। है ना, काफी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है सेटिंग के अंदर, यहाँ पे मिलेगा सिस्टम का और यहाँ पे मिलेगा सिस्टम नेविगेशन। ये सभी फोनों में होता है और इस फोन में भी देखने मिलता है। जैसे गेस्ट नेविगेशन में करोगे तो बिना बटन के अपने फोन को यूज कर सकते हो, इस टैप में, इस टैप में होम पे जाना, इस टैप में होगा। और यहाँ पे देखते हैं कि नेविगेशन बार देखने मिलता है, इसलिए क्या करता है, एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जा सकते हो, बस स्वाइप ही करना है। ठीक है ना, काफी इंटरेस्टिंग। और इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके हाइड कर देना, ये हाइड हो जाएगा, मतलब ये नेविगेशन बार रिमूव हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं अपने फोन को बटन पे कर लेता हूँ। साथ ही इसमें बटन वाले ऑप्शन में जाके इस बटन को राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, बैक वाले बटन को, जैसे कि आपको ये करना है तो ये भी कर सकते हो, ये भी सेट है, देख सकते हैं कई लोगों को इस चीज की आदत होती है तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है थ्री फिंगर बटन स्वाइप वाला फीचर। देखते हैं, अब स्वाइप वाला फीचर तो आपको पता ही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं थ्री फिंगर से, लेकिन आपको दिखाता हूं जो एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन फीचर को सपोर्ट करती है उस एप्लीकेशन पर नीचे की ओर से थ्री फिंगर आप स्वाइप कीजिए और एक साथ दो दो एप्लीकेशन यूज कर लीजिए। जैसे कि मैंने बताया ना, यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं और यहाँ से थ्री फिंगर से भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलेगा मोबाइल की सेटिंग के अंदर, शॉर्टकट एनेबिलिटी का फीचर। एस कैप्चर और स्प्लिट स्क्रीन के फीचर के बारे में मैंने आपको बताया दिया, थ्री फिंगर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और थ्री फिंगर से नीचे की ओर स्वाइप करोगे स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। लेकिन थर्ड ऑप्शन देखने मिलता है स्मार्ट मोशन का फीचर, ये फीचर काफी कमाल का है। यहाँ पे देखते हैं, मैं फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन को मैं ऑन कर देता हूँ। अब तीनों ही फीचर मिलते जुलते हैं, अब देखते हैं। डबल टैप करूंगा, पहला फीचर तो ये है कि ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, और दूसरा फीचर ये है कि डबल टैप करूंगा तो ऑन हो जाएगा, और तीसरा ऑप्शन ये है ना, बिना फोन को यहाँ पे बटन प्रेस किए यहाँ पे स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। बस इस तरह से करोगे तो उसको पता लग गया कि अपने फोन को यूज करना चाहते हो, तो ये आपको देखने मिलता है रेज टू वेक वाला फीचर। अब इन तीनों को फीचर को हम बैक जाते हैं और यहाँ पे देखने मिलता है फ्लैश लाइट वाला फीचर। इसको ऑन करने पे क्या होगा, इसको ऑन करने पे क्या करना पड़ेगा, इस फोन को थोड़ा सा आप शेक करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली इसकी टॉर्च ऑन हो जाएगी। मैं करके नहीं दिखाना चाहता, नहीं तो सेटअप वगैरह मेरा पूरा हिल जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने मिलता है स्मार्ट कॉल स्मार्ट आंसर, ये फीचर क्या है, इन कुछ फीचर को आप ऑन कर दोगे ना तो जब भी कोई कॉल आएगी बस आपको कोई भी टच करने की जरूरत नहीं, कान के पास लेके जाओ ऑटोमेटिक ये कॉल को वहाँ पे रिसीव कर लेगा। इसी प्रकार से म्यूट का भी फीचर देखने मिलता है, म्यूट करना चाहते हो बिना बटन को प्रेस किए, तो ये चीजें आपको देखने को जो कि काफी कमाल का आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है इजी टच का फीचर, ये सभी वीवो के फोन में होता है और इस फोन में भी आपको देखने मिल जाता है। और इसके स्टाइल चेंज कर सकते हो, मान लीजिए ये वाला चाहिए ऑरेंज टाइप में, चाहिए ऑरेंज वाला करो और ये ऑरेंज टाइप में हो जाएगा, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप क्विक एक्सेस कर सकते हो, सर्च बार, कैलकुलेटर, फेसबुक एप्लीकेशन, जो भी आप यहाँ पे क्विक एक्सेस करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम ऑफ कर देते हैं, ज्यादा यूजफुल फीचर नहीं है। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है एजबिलिटी के अंदर, एजबिलिटी के अंदर जैसे जाओगे नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने पे हमें मिलेगा एजबिलिटी मेन्यू का फीचर और इसको ऑन करने पे एक बटन आपका ऐड हो जाएगा। अब ये बटन क्या काम करता है, इस बटन पे क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ब्राइटनेस कम ज्यादा, वॉल्यूम अप एंड डाउन। ये फीचर बेसिकली जब यूज होता है, जब एक हाथ से आप वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेस करना चाहते हो, तो बेसिकली इस एजबिलिटी मेनू का आप यूज कर सकते हैं और यहाँ पे काफी सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं जो कि नीचे के साइड में देखने मिलेगी, ऊपर हाथ भी लेके जाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिम वाला फीचर, इस पर आप क्लिक करोगे और इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ पे देखते हैं आपकी जो डिस्प्ले है वो एक्स्ट्रा डिम हो चुकी है, ब्राइटनेस उतनी की उतनी है लेकिन उसने थोड़ा सा डिम कर दिया, तो ये देखने मिलता है कई लोग यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसका बटन भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे ऑटोमेटिकली बटन ऐड हो जाएगा, वन क्लिक के अंदर ऑन ऑफ कीजिए, सेटिंग में भी जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं वो आपको देखने मिलता है अल्ट्रा गेम मोड वाला फीचर और इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है यार। यहाँ पे आपको देखने मिलता है फॉरवर्डी गेम वाइब्रेशन, इससे क्या होगा, इसको ऑन कर दोगे जब भी कोई एनिमी वगैरह आएगा तो अलग से यहाँ पे आपको यहाँ पे वाइब्रेशन देखने को मिलेगा जिससे आप गेम प्ले काफी अच्छी कर पाओगे। और यहाँ पे देखते हैं, मैंने काफी सारी गेम है जैसे कि इस गेम को मैं ऑन करता हूँ इस अल्ट्रा गेम मोड के अंदर और यहाँ से स्वाइप करूंगा तो काफी सारे गेमिंग के फीचर देखने को मिलेंगे। और इसमें कमाल का फीचर एक है ना, काफी लोग पूछते हैं इसके अंदर वॉइस चेंजर है कि नहीं, वॉइस चेंजर का फीचर भी देखने मिल जाता है, आपको चेक कराता हूँ। तो तेरे भाई ने ले लिया यहाँ पे iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो हम करते हैं कंप्लीट, यहाँ पे हम करते हैं टैब। अब सुनिए आप, तो देखा काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपने हमारी वॉइस चेंज कर दी और गेम प्ले के अंदर भी नेक्स्ट वाले को भी यही आवाज सुनाई देने वाली है, तो वॉइस चेंजर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है बैटरी के अंदर, जब भी फोन को लो तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज को आप ऑन कर देना ताकि आपको बताए कि हमारे फोन के अंदर कितनी बैटरी परसेंटेज है, तो जब भी फोन को लो तो इसको कर लेना। नेक्स्ट फीचर आपको मिलता है नोटिफिकेशन के अंदर, नोटिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर, ये फीचर बहुत लोगों के लिए यूजफुल है। मान लीजिए बहुत सारी नोटिफिकेशन है, अब यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लियर करने के बाद यहाँ पे जाता हूँ बैक और नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाता हूँ तो ये देखते
सकते हैं, यहाँ से चेक कर सकते हो क्या क्या मेरे नोटिफिकेशन आए थे। बहुत सारे होते हैं नोटिफिकेशन, आप स्वाइप कर देते हो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं, तो इसमें चेक कर सकते हो जब भी फोन कॉल होते हैं इसको ऑन कर लेना। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर जैसे जाओगे तो हमें मिलेगा ऐप क्लोन का फीचर। एक फोन के अंदर डबल फेसबुक डबल यहाँ पे व्हाट्सअप यूज करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। ये फीचर मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ कि काफी लोग पूछते हैं ना कि इस फोन में मिलता है कि नहीं मिलता, तो यहाँ पे भी मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जैसे जाओगे यहाँ पे मिलेगा साउंड क्वालिटी एंड प्रोफाइल, और यहाँ मिलेगा ऑडियो सुपर रेजोल्यूशन का फीचर। इसको ऑन करके थोड़ी जो आपकी क्वालिटी है वो इन्हेंस हो जाएगी। यहाँ पे आप दिखा भी रहा है कि इस प्रकार से करते हैं तो क्वालिटी कितनी ज्यादा इन्हेंस हो रही है, ज्यादा लाउड हो जाती है उसकी साउंड क्वालिटी। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है डायनेमिक इफेक्ट वाला फीचर। इस ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे ना इसमें बहुत सारे फीचर आपको देखने मिलते हैं, बहुत सारे भर भर के फीचर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन फीचर है। ये फीचर क्या है, मान लीजिए ये एनिमेशन मैं ऐड कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैं स्क्रीन को ऑन करूंगा देखते हैं एक एनिमेशन आ रहा है, देखते हैं बूम करके, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपको एनिमेशन चाहिए साइड से चाहिए ऊपर की साइड से चाहिए तो वो आप कर सकते हो, तो फिलहाल के लिए मैं नन कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको देखने मिलता है यूएसबी। जब भी कोई यहाँ पे डाटा केबल आप अटैच करोगे कंप्यूटर के साथ तो किस प्रकार का एनिमेशन आना चाहिए वो आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इससे फोन थोड़ा चाइनीज लगता है, हम इसको नहीं करते। नेक्स्ट फीचर की बात किया था वो आपको मिलता है चार्जिंग एनिमेशन का फीचर। चार्जिंग एनिमेशन आपको किस टाइप में चाहिए, जब भी फोन को चार्ज लगाओगे वो आप इसमें जो भी सेट करना है कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं नन पे कर देता हूँ, हमें सिंपल चाहिए भाई, सिंपल क्लासिक वाले बंदे हैं। और यहाँ पे देखने मिलता है फेस रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन का फीचर। यहाँ पे देखते हैं जब आप फेस लॉक यूज करते हो तो यहाँ पे दिखाता है ना किस प्रकार का आपको एनिमेशन चाहिए, फेस वाला चाहिए या इस टाइप में चाहिए या इस टाइप में चाहिए, तो ये चीज़ आपको देखने मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन देखने मिलता है। जब भी फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना वहाँ पे किस प्रकार का एनिमेशन आना चाहिए भाई, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन। फिंगरप्रिंट का जो आइकन टच करने से पहले कौन सा एनिमेशन होना चाहिए, इस प्रकार से बोर हो रहे हो हर मंथ चेंज करो यार, मतलब आपको बोर फील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है होम स्क्रीन एंटर एनिमेशन। ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए फ्लाई आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं फ्लाई आउट करता हुआ आपको आइकन के एनिमेशन मिलेंगे जैसे मैं अपने फोन को अनलॉक करूँ, है ना, देखते हैं कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। तो किस प्रकार का आपको एनिमेशन चाहिए, इस टाइप में या इस टाइप में, जो रखना है आप रख सकते हो। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन का फीचर। ये फीचर क्या है, जब भी किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हो वो स्लोली होना चाहिए या बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए, वो आप कर सकते हो, मैं मीडियम पे रखता हूँ। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है टच स्क्रीन एनिमेशन का फीचर। अब ये बिल्कुल चाइनीज वाला फीचर देखने मिलता है, ये वीवो वाला देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल चाइनीज फोन की निशानी हो जाएगी। इसको अप्लाई तो कर दूंगा, दिखाता हूँ फीचर क्या, अब जहां पे भी टच करूंगा बबल से देखने को मिल रहा है, बैटरी तो कंज्यूम करेगा ही, और कोई सोचेगा यार चाइनीज फोन यूज कर रहा है, कुछ इसी प्रकार के उन्हें फीचर देखने मिलते हैं, वो फीचर देखने मिलता है। इस फीचर का यूज ही मत करो यार, इसको ऑफ करके रखो। और नेक्स्ट फीचर काफी कमाल का फीचर देखने मिलता है, एम्बियर लाइट वाला फीचर। ये फीचर क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको ऑन कर देता हूं, जब भी कोई कॉल आएगी तो यहां पे एज लाइटिंग की एनिमेशन देखने मिलेगी साइडों के अंदर, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट फीचर यहां पे देखते हैं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देता हूं और यहां पे किस प्रकार का एनिमेशन चाहिए वो आप कर सकते हैं साइडों में, एज आपके देख सकते हैं काफी अच्छी लाइटिंग आपको देखने मिलेगी। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। इस फोन में भी आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने मिल जाता है, अपने फोन को डार्क मोड में ऑन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और यहाँ पर स्क्रीन के कलर चेंज कर सकते हो जो कि सभी फोनों में देखने मिलता है। और ये 120Hz रिफ्रेश वाला डिस्प्ले है तो उसको स्मार्ट स्विच पे रखिए ताकि थोड़ी बैटरी कम कंज्यूम करे। 120Hz पे करोगे तो फोन तो स्मूथ चलेगा लेकिन बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा, तो इसीलिए स्मार्ट स्विच पे इसको सेट कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने मिलता है विजुअल एनहांसमेंट। ये फीचर क्या है, इसको ऑन कर दीजिए, जब भी कोई वीडियो वाली एप्लीकेशन आप यूज करोगे तो उसके अंदर कलर आपको उभर के देखने को मिलेंगे, मस्त वाले कलर आपको देखने मिलेंगे, तो ये देखने मिलते हैं विजुअल एनहांसमेंट वाला फीचर। नेक्स्ट इस फोन के अंदर आपको कंट्रोल सेंटर में देखने मिलेगा, आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने मिलता है। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इसी में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी देखने को मिल जाता है, तो इसका यूज करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको देखने मिलता है लॉक स्क्रीन के अंदर। लॉक स्क्रीन के अंदर जाओगे यहाँ पे मिलेगा सिंपल मोड का फीचर। इसको आप जैसे ऑन करोगे तो ये फीचर क्या है, एक्सपीरियंस नाउ पे क्लिक कीजिए, मतलब ये फोन आपका बिल्कुल सिंपल मोड में चला जाएगा, कोई भी ज्यादा इसमें सेटिंग नहीं देखने मिलेगी, ज्यादा फीचर हमें नहीं देखने मिलते, आपका फोन इजी टू यूज हो जाएगा। आपको फोन ज्यादा यूज नहीं करना आता तो सिंपल मोड का फीचर का आप यूज कर सकते हैं, तो देख लीजिए आपको करना है तो कर लीजिए। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो आपको देखने मिलेगा मोबाइल की सेटिंग के अंदर। लॉक स्क्रीन की सेटिंग के अंदर जाओगे तो वो आपको देखने मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपको पसंद आ रहा है यहाँ पे लगाइए, बहुत सारे इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो आप सेट कर ही लोगे, लेकिन यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि इसके अराउंड रिंग लाइट को किस प्रकार से इनेबल करोगे जिसके साथ दिखने के अंदर और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर सर्च करना है आपको रिंग रिंग एप्लीकेशन, और यहाँ पे काफी सारी एप्लीकेशन मिलेगी, ये वाली आपको डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है और इस फीचर को आपको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद क्या होगा, आपका रिंग लाइट तो इनेबल हो चुकी है, देखते हैं कुछ इस टाइप में रिंग लाइट है, और नीचे जाके आपको कलर भी चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपको येलो करना है तो यहाँ पे येलो कर दीजिए, येलो थोड़ा अच्छा लगता है, दोनों में आप येलो कर दीजिए ताकि ब्लैक कलर और येलो कलर का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है,
कैमरा के अराउंड ये बिल्कुल फिट नहीं होता। सो कैमरा के अराउंड बिल्कुल आपको फिट करना पड़ता है, दो तीन मिनट आपको लगेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है। सेट करने के बाद आपको डायरेक्टली मैं दिखाता हूँ। तो कैमरा के अराउंड तो मैंने बिल्कुल फिट कर लिया, और देखते हैं अप्लाई हो जाने के बाद देखते कुछ इस टाइप में देखने मिलता है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ दिखाता हूँ कितना अच्छा लगता है देखने में। तो देखते कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलता है, देखने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, और कोई भी फ्रेंड आपसे पूछ सकता है इसको किस प्रकार से इनेबल किया, तो मेरी वीडियो उसको शेयर कर देना ताकि उसको पता लग जाए। अब काफी लोग ये सोचेंगे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में पबजी वाला कैसे सेट किया, तो इसके लिए नाइको ने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में खुद का कस्टम वाला भी फीचर दिया हुआ है। जैसे कि पर्सनलाइजेशन के अंदर जाओगे तो यहां पे खुद का इमेज डाल के भी आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्रिएट कर सकते हो, तो मैंने उसी से ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में पबजी वाला डाल के क्रिएट किया, तो आप भी कर सकते हो, आपके पास कोई भी इमेज हो वो आप कर सकते हो, अपनी फोटो का भी लगा सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।